रे मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, रे मृत्यु कहाँ है तेरा दंश, रे मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, रे मृत्यु कहाँ है तेरी दंश। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, आज के इस पास्का पर्व के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं आप सबों को पास्का पर्व के ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ मैं यही चाहता हूँ कि आपके अगल बगल में आगे पीछे जो भी हैं उसे मुस्कुराते हुए खुश पास्का पर्व की बधाइयाँ दें और पुनर्जीवित प्रभु की शांति एक दूसरे को बांटें। इन साल का परिस्थिति ऐसा हुआ कि हम सबों को इस महान चालीसे के समय में ना तो शुक्रवार के दिन में क्रूस रास्ता में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए मौका मिला, ना ही पवित्र सप्ताह में ढेर सारे धर्म विधियां थी उसमें भी भाग लेने के लिए हमको मौका मिला। खजूर रविवार हो, पवित्र बृहस्पतिवार हो, पवित्र शुक्रवार हो, और आप महान ऐतिहासिक घटना प्रभु यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान का पर्व, हम सबों को इन सारे धर्म विधियों में सक्रिय रूप से सामुदायिक रूप से गिरजाघरों में भाग लेने के लिए मौका नहीं मिला। ये हम मानते हैं और ये जानते हैं कि अभी का जो महामारी के वजह से जो परिस्थिति संसार भर में हुआ है, इसके लिए हम सब इन सारे धर्म विधियों में या तो त्यौहार में सक्रिय रूप से भाग लेने से वंचित हैं। परंतु मैं आशा और विश्वास करता हूँ प्यारे माता पिता भाई और बहनों, ये साल भी हमें ऐसे एक मौका दिया, हो सके हमारे जीवन और परिवार में ऐतिहासिक घटना है, इतिहास बन गया है कि इन साल हम गिरजाघरों में नहीं, सामुदायिक रूप से नहीं, परंतु हमारे अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस महान त्यौहार को पालन करने के लिए हमें मौका मिला। और मैं आशा करता हूँ निश्चित रूप से आप लोगों ने इन साल का इस पास्का पर्व में जो भी धर्म की क्रिया है पारिवारिक रूप से, एक छोटा कलीसिया के रूप में आप सबों ने बहुत बेहतर और सुंदर तरीका से किए हैं, और इसका अर्थ आप लोगों ने खुद मनन चिंतन किए हैं इसके ऊपर में, और इन रहस्यों के ऊपर और ज़्यादा गहरा अनुभूति और ज्ञान आप लोगों ने निश्चित रूप से प्राप्त किए होंगे। तो प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हम जहाँ कहीं भी हो, घर में, गांव में, गिरजाघर में, या तो दूसरे दूर शहरों में, हम जहाँ कहीं भी हैं, ये पास्का पर्व हम अपने तरीक़ा से हम खुशी और आनंद के साथ मनाए हैं, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी रहें ये बड़ी बात नहीं है, परंतु ये बात है कि हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों में से पुनर्जीवित हुए हैं, सदा काल के लिए वे हमारे साथ रहने के लिए पुनर्जीवित हुए हैं, वे मृत्यु की शक्ति को पराजित करके, शैतान और बुरे की शक्ति को पराजित करके वे पुनर्जीवित हुए हैं, इसीलिए हम उनकी खुशी में आनंदित होते हैं, खुशी मनाते हैं। और यीशु ख्रीस्त इसी पुनरुत्थान के माध्यम से आप कोई भी समुदाय, कोई भी देश, कोई भी जाति के अंदर सीमित नहीं है, परंतु ये सदा काल के लिए हर जगह, हर परिस्थिति, धरती हो या आकाश पाताल, सब स्थानों में वे आप उपस्थित हैं, हाजिर हैं। और हम ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं सुने हैं, हम बहुत सारे महापुरुषों के विषय में सुने हैं, बहुत सारे धर्म संस्थापकों के विषय में हम सुने हैं, बहुत महान महान पुरुष इस संसार में पैदा हुए, अपने कर्मों के जरिए से, भले कर्मों के जरिए से हुए, ईश्वर के विषय में बताए, अच्छे कर्म, अच्छे संदेश हम सबों को दिए हैं, परंतु वे अपने इन सारे कर्मों को करते हुए इस संसार से विदा होकर के चले गए हैं। जो भी महान पुरुष हो, महावीर हो, गौतम बुद्ध हो, शिरडी साई, सत्या साई, राम कृष्णा, जो भी हो, और जो महान व्यक्ति योगी विषय में सुनते हैं, वे सब इस संसार में कुछ पल के लिए आए थे, कुछ करके गए, परंतु हम ऐसा कभी नहीं सुने हैं कि इन महान पुरुषों ने मृतकों में से पुनर्जीवित हुए हैं, परंतु केवल एक ही
पुरुष एक ही व्यक्ति मृतकों में से पुनर्जीवित हुए हैं और वे हैं स्वयं हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो कि मृतकों में से सर्वप्रथम ये पुनर्जीवित हुए हैं, मृत्यु की शक्ति को पराजित करके वे पुनर्जीवित हुए हैं और वे हम सब उनके साथ सदा काल के लिए हर परिस्थिति में हमारे साथ आगे रहते हैं। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, इसलिए हम खुशी मनाते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि स्वयं यीशु ख्रीस्त जिन जो वचन हम सबों को दिए थे तीसरे दिन पुनर्जीवित होने का बात अपने शिष्यों को बताए थे, भविष्यवाणी किए थे, उस वचन के तहत वे आज पुनर्जीवित हुए हैं। और हम जानते हैं ये पुनरुत्थान का खुशी हम सबों के दिलों में, हम सबों के परिवार में और यहाँ तक कि शिष्यों के हृदय में भी उनके पुनरुत्थान का संदेश सुनते हुए बहुत खुशी और आनंद हुआ था। परंतु हम देखते हैं कि शिष्य लोग यीशु ख्रीस्त के मृत्यु के बाद बहुत उदास, हताश और निराश हो गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि यीशु ख्रीस्त अपना दाऊद का राज्य को पुनः स्थापित वे करेंगे और जो रोमियो का जो शासन है उसे यरूशलेम से वे उन्हें छुटकारा दिलाएंगे और बहुत सारे ऐसे सोच विचार और अभिलाषा उनका था। परंतु जिस तरह से यीशु ख्रीस्त का मृत्यु हुआ, वे स्वयं अपने आंखों से उसे देखे और उन्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ का अंत हो गया। वे इसलिए भी हताश और निराश, उदास होकर डरे हुए बंद कमरों में जीवन बिता रहे थे। परंतु इसलिए हम देखते हैं कि दो शिष्य, यहाँ तक कि वे हताश उदास होकर वे एमाउस जो कि यरूशलेम से दूर है वहां जाने के लिए निकल पड़े थे और बाकी शिष्य लोग भी अपने जो पुरानी व्यवसाय था उसमें जाने के लिए तैयार थे। परंतु ऐसा यीशु ख्रीस्त ने नहीं दिया, उनका हताशी उदासी को वे खुशी और आनंद में वे परिवर्तन कर देते हैं। और ये घटना आज के इस दिन में होती है जब मरियम मगदलीना, जो कि यीशु के प्रति उनका गहरा प्यार और विश्वास था, वे अपना प्यार और सम्मान दिखाने के लिए सुगंधित द्रव्यों को लेकर के कब्र की ओर प्रस्थान हुए। जब कब्र पहुंचे वे देखे कि कब्र का जो बड़ा पत्थर था, कब्र को जो बंद करने के जो पत्थर व्यवहार किया जाता था वह लुढ़का हुआ है, कब्र खुला पड़ा हुआ है। अंदर जाके मरियम मगदलीना देखते हैं कि वहां यीशु ख्रीस्त का मृत शरीर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसी समय में दो स्वर्गदूत उनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढते हो, वे तो आप पुनर्जीवित हो गए हैं, वे जीवितों का ईश्वर है। और ये संदेश सुनते ही मरियम अत्यंत खुशी भी होती है, डर और भय उनके हृदय में भी रहता है और ये संदेश को लेकर के वे अपने शिष्यों को बताने के लिए चले जाते हैं। और जैसे शिष्य ये संदेश सुनते हैं उनका मन और हृदय खुशियों से भर जाता है, वही वे संदेह करने लग जाते हैं। परंतु बहुत उन्हें विश्वास करते हैं, उनके वचन दिया हुआ वचन वो उस समय उन्हें याद आ जाता है और यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान में विश्वास करने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं, उनसे पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त मिलने के लिए जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि मरियम मगदलीना वहाँ कब्र के पास जब गई थी वह मृत शरीर को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए नहीं गई थी, या तो मृत पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त को ढूंढने के लिए नहीं गई थी, उनसे मिलने के लिए नहीं गई थी, परंतु मृत शरीर के प्रति अपने प्यार और सम्मान दिखाने गई थी। परंतु जिस प्रकार का घटना हुआ उससे मरियम मगदलीना का हृदय भर गया, खुशी से आनंदित होकर के वे इस संदेश को पहला शिष्य के रूप में वे यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान का संदेश को दूसरों को सुनाती है। तो प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हमें भी उसी पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त को जो कि हमारे जीवन के हर एक कदमों में, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं हर एक परिस्थितियों में वे हमेशा हाजिर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। यहाँ तक एमोस जाने वाले शिष्यों ने भी
पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त का संगति को रास्ता चलने के समय अनुभव किया, ठीक उसी तरह क्या हम उसे पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त को अपने दैनंदिन के जीवन के कार्यक्रम में घटनाओं में उनकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए तैयार हैं कि क्या हम उसी पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त को हमारे जीवन की इन परिस्थितियों में क्या हम उसे ढूंढते हैं, खोजते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यीशु क्रिस्त यदि पुनर्जीवित ना होते तो आज हमारा विश्वास नहीं होता। यीशु क्रिस्त यदि पुनर्जीवित ना होते तो क्रिश्चियन धर्म आज नहीं रहता। इसलिए हम सुनने को पाते हैं कुरंथियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 वचन संख्या 12 से लेकर के 14 तक, जहाँ की पौलुस हमें बताते हैं कि तुम लोगों में ये विचार है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता है, और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता है तो ख्रीस्त पुनर्जीवित नहीं हुए हैं। परंतु ये बात सही नहीं है। ख्रीस्त जो कि सर्वप्रथम मृतकों में से पुनर्जीवित हुए हैं, और हम जो धर्म प्रचार कर रहे हैं हम उसी पुनर्जीवित यीशु का प्रचार कर रहे हैं, और यदि यीशु ख्रीस्त मृतकों में से पुनर्जीवित नहीं हुए तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है, बेकार है, और तुम्हारा आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है यदि यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित ना हुए हैं तो। और ये संदेश संत पौलुस हम सबको बताते हैं, और इसलिए यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान ही हमारे ख्रीस्तीय धर्म और विश्वास का नियम है। यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के ऊपर ही हमारे ख्रीस्तीय धर्म टिका हुआ है, एक दृढ़ चट्टान में बना हुआ है। इसीलिए हम जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों का ईश्वर नहीं परंतु जीवितों का ईश्वर है। वे जीवितों का ईश्वर है और हमारे साथ में रहते हैं, हमारे जीवन के हर घटना को जानते हैं। हम जानते हैं कि विदेशा फ्रांसिस यूथ लोगों के विषय में जो एनसिक्लिका लेटर लिखे हैं यूथ लोगों के उद्देश्य में, उसमें कहते हैं क्रिस्तुस विवित, क्राइस्ट इज अलाइव, देयरफॉर यू शुड बी आल्सो अलाइव। हमारे युवा वर्गों के लिए, संसार भर के युवा वर्गों के लिए संदेश देते हैं कि यीशु क्रिस्त जिंदा है, इसलिए आप लोगों को भी जिंदा रहना है। हम लोग आज देखना है कि हम किन किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ हैं, हम लोग मुर्दा बन के हैं, किन किन चीजों से हम लोग मारे हुए हैं, इन सारे चीजों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए यीशु क्रिस्त अब जीवित है। वे जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिस ईश्वर के नाम पे हम बपतिस्मा लिए हैं, वही ईश्वर यदि जीवित है, हमारा पिता ईश्वर, तो हमें भी जीवित रहना आवश्यक है। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, तो चलिए इस सुंदर पास्का पर के अवसर पर हम हमारे उसे पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त के ऊपर मनन चिंतन करें, उन्हें हमारे जीवन के हर परिस्थितियों में देखने के लिए, अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए हम प्रयत्न करें, और ये पुनरुत्थान का संदेश ना केवल अपने पास रखें परंतु इसका संदेश हम अपने प्रियजनों को, अपने पड़ोसियों को हम देते चले, जिनके संपर्क में भी हम आते हैं हम उनको हम देते चले, क्योंकि हम पुनरुत्थान के संतन संतति हैं, और हम यीशु ख्रीस्त जो कि पुनर्जीवित हुए हैं, हम उनके संतन संतति या तो उनके शिष्य होने के नाते हमें भी जीवित रहना है, हमें भी उसे दूसरों को बांटना है। तो प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, चलिए हम हमारी जो हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं, हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, उन सारे परिस्थितियों में भी हम पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त को हम देखने के लिए और उसे खोजने के लिए और महसूस करने के लिए हम सदा प्रयत्न करें, कोशिश करें। धन्यवाद।